ओके सो हाय गाइस, वस्सलाम अलैकुम, बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो भी मैं स्टॉक वगैरह यूज करूंगा सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड जो ये वाली एडिटिंग है बहुत ही ज्यादा मतलब ईजी होने वाली है, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो, ठीक है? क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसमें गाइस आप इजीली तरीके से आप एडिट कर पाओगे, ठीक है? तो आप लोग जो वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब आप सभी को करना है कि आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड यहाँ पे जो मॉडल का बैकग्राउंड मैंने पहले से रिमूव कर रखा है, तो आप लोग भी करके रखना ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? तो आप लोग इसको कर लेना। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स आपको जो है साइज स्क्रीन पर इस तरीके से रख देना है। एंड उसके बाद जब आप इतना कर दोगे तो गाइस आपको जाना ऐड फोटो में, एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है इसमें। ये गाइस इसलिए ऐड करना है क्योंकि इससे हम शेडो बनाएंगे, तो इसको आपको मूव डाउन करके नीचे ले जाना है। एंड इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश लेना, ब्रश को लेने के बाद साइज को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेना है। देन उसके बाद आपको इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है? जहाँ पे हल्की हल्की शेडो क्रिएट हो पाए, ठीक है? एंड आपको जो है ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छे तरीके से करना है, ताकि मतलब कि कहीं जा किसी जगह पर ज़्यादा और किसी जगह पर कम डार्क ना हो जाए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने तक कर लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेंगे। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करके दोबारा से ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है स्नेक का पीएनजी, ठीक है? ये वाला। एंड ये भी मिल जाएगा आपको साथ में ही, मतलब जब आप डाउनलोड करने जाओगे तो। फिर आपको क्या करना है, आपको उसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स से नीचे की साइड में ला के रख देना है, ठीक है? इस तरीके से। एंड उस रखना है ऐसा है कि गाइस मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि आपकी बॉडी में टच हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको करना है कि आपको जाना है ऐसे ओपेसिटी कम कर लेना है पहले। एंड उसके बाद आपको ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि परफेक्ट तरीके से वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है? फिर उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको रिजर टूल में जाकर आपको हार्डनेस को फुल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो उस चीज़ों को रिमूव कर देना है जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, ठीक है? इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी इस तरीके से रिमूव कर देना है। एंड ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट रह ना जाए, अगर कोई पार्ट रह जाता है तो कैसे उसके बाद क्या है कि आपको सारी एडिटिंग दोबारा से करनी पड़ सकती है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड एकदम टाइम देके करना, अच्छे तरीके से करना। और अगर आप ऐसे एडिट करते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसी फोटो एडिट कर रहे हो। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड जाओ, अगर वहाँ तक जाओगे तो यार फॉलो भी कर लेना अगर आप चाहो तो, बाकी टैग करना मत भूलना, ठीक है? तो अभी हमारे एक इस साइड का रह जाता है, तो उसको हम जो है यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक है? ये वाला अब यहाँ पे गाइस परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी जो है फुल कर देंगे। एंड फुल कर देने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो है इसमें एक शेडो भी ऐड करनी है हमें, तो आप लोग यहाँ पे डन मत करना। आप लोग अभी पहले ऐड फोटो में जाना, फिर यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है आप सभी को, ठीक है? इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको करना है गाइस को भी सेम साइज वही करना है, जैसे मतलब फुल स्क्रीन कर देना है पहले, ठीक है? इस तरीके से। एंड इसको मूव डाउन कर देना है, इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है। फिर ब्रश लेना है, ब्रश लेने के बाद साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड उसका फोटो को जूम करना है, एंड उसके हिसाब से नीचे वाला साइड में जो है ये वाला, इस तरीके से इस जगह पे आपको शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है? ताकि जो है एक रियलिस्टिक सा लुक आए इसमें, ठीक है? तो अभी हम जो है एक इस तरफ भी करेंगे, ओके गाइस। सो यहाँ तक करने के बाद आप लोग इसको डन करना है। एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेनी है, ठीक है? एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप आपको फोटो को अप कर देना है, परफेक्टली डन, ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड इसको लेके चलना है आपको लाइट रूम ऐप में, क्योंकि वहाँ पे रिटच करके जो आपको अपनी एडिटिंग और भी ज़्यादा अच्छी करनी है। तो यहाँ पे जो है हम इसको लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया है। अब पहले क्या करेंगे, हम इसका लाइट करेक्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को जो है यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, हाईलाइट्स को जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे, शेडोज़ को जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे, एंड ब्लैक्स को कम कर देंगे, फिर व्हाइट है जो उसको इंक्रीज कर देंगे। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद यहाँ पे पहले वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, एंड मिक्स टूल में जाएंगे, ऑरेंज कलर यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे ब्लू कलर में, हमें ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देंगे। फिर जाएंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे, एंड यहाँ पे फोटो में डाल देंगे विगनेट, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फीदर को इंक्रीज कर देंगे 100%, एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे। एंड फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आज की वीडियो थी हमारी यहीं तक थी, तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।